पुलिस थाना सेक्टर 14 पचंकुला की टीम ने गश्त पड़ताल करते हुए 130 ग्राम चरस सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान राजेंद्र कुमार पुत्र अमरदास वासी टगलिंग जिला के नौर हिमाचल प्रदेश के रूप में हुई। जानकारी के मुताबिक पुलिस चौकी सेक्टर 16 पचंकुला की टीम द्वारा सेक्टर 17 पचंकुला के पास नाका लगाकर चेकिंग की जा रही थी, तभी एक व्यक्ति मौली जांगरा चौकी से पैदल नाके की तरफ आ रहा था। पुलिस को देखते ही पीछे मुड़कर वापस तेज कदमों से चलने लगा, जिस पर शक होने की वजह से पुलिस की टीम ने काबू कर उसके पास से 130 ग्राम चरस बरामद की। नाका विजिलेंस के पास तो ये आदमी एकदम से हमें पैदल आ रहा था, तो एकदम से पीछे मुड़के एकदम तेज तेज कदमों से जब चलने लगा तो हमें इस पे शक हुआ। शक के बिना पे हमने इसको चेक किया तो इसकी जॉकेट की बाई जेब में से अंदर वाली 130 ग्राम जो वजन करने पर बाद में हुई कि 130 ग्राम चरस है, कोर्ट में पेश कर दी। हाँ, आज हमने इसको कोर्ट में पेश किया है और जहाँ से हमें एक दिन का पुलिस रिमांड मिला है और उसके बाद हमारा इसके आगे अनुसंधान जारी है। जो चीज़ भी इसके अंदर जो हमें इन्वेस्टिगेशन आएगा, अगर कोई और आरोपी मिलता है इस नशीले पदार्थ में तो उसको गिरफ्तार किया। लोकहित एक्सप्रेस के लिए पंचकूला से कपिल नागपाल की रिपोर्ट।